नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर वन चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ एन एकेडमी। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत अच्छी तरह आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को ध्यान है दोस्तों, कोरोना का सोरा सा कहर चल रहा है, लेकिन आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, इसके लिए आपके लिए एन एकेडमी और वाईफाई स्टडी सदैव आपके सहायता है और हमेशा बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। चलते तो दोस्तों अपनी श्रृंखला चल रही थी और पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने है। पहला प्रश्न बहुत ही गजब का है और प्रश्न आपको याद रखना है भैया कि यहाँ पर पूछा है, राम श्याम से चतुर है, कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था और मध्यावस्था। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तरावस्था। देखो दोस्तों, विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और विशेषण से प्रश्न आते हैं। एक तो विशेषण होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और इसके साथ साथ एक इसमें विशेष्य भी होता है। तो विशेषण और विशेष्य होता है, दोनों चीजें होती है, तीन अवस्थाएं होती है इसकी। एक तो होती है दोस्तों मूलावस्था, ठीक है ना, जानते हो ना। एक होती है दोस्तों उत्तरावस्था, अरे इंग्लिश में डिग्रियां होती है ना, वैसे अवस्थाएं होती है। और एक होती है इसकी उत्तमावस्था। तीन अवस्थाएं यहां पर मानी जाती है। तो मूलावस्था में एक तो कंपेरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव हो गई, ये कंपेरेटिव हो गई और ये तो दो भी, एक को अच्छा और एक को बुरा बताया जाए, इसलिए यहाँ पर बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर उत्तरा अवस्था सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाबाश दोस्तों, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ सके और इन सभी को फायदा मिल सके। दूसरा प्रश्न है, पद के अनेकार्थक शब्द में गलत विकल्प का चयन कीजिए, युक्त शब्द है। पद, पद का मतलब क्या नहीं होता? यहाँ पर प्रश्न को आप ढंग से समझ लो बच्चों। पद शब्द दिया है और आपसे पूछा है कि पद का मतलब नहीं होता विभक्ति युक्त शब्द, पांव, स्थान और रीति। बताइए पद का क्या मतलब नहीं होता? फटाफट से बताओ दोस्तों, पद का क्या मतलब नहीं होता? तो बिल्कुल यहाँ पर रीति नहीं होती। देखो, विभक्ति युक्त शब्द भी होता है, पांव भी होता है, स्थान भी। लेकिन डी इज राइट आंसर, यहाँ पर रीति इसका सही आंसर माना जाएगा। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा है ना। फटाफट से एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके, इन सभी को फायदा मिल सके। फटाफट से शेयर कर दो भाई। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाग्य शब्द का विलोम शब्द है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा भाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? सौभाग्य, दुर्भाग्य, पर्वत्य, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए दोस्तों, भाग्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? सौभाग्य, दुर्भाग्य, पौवर्ते और कोई नहीं। तो सही आंसर होगा, यार ये तो सरल प्रश्न है भैया, भाग्य का यहाँ पर होगा दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य इसका सही आंसर माना जाएगा। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बौद्धिक अव्यय शब्द है। देखो दोस्तों, आपने वैसे आपके पटवारी में नहीं है और रिट वालों के लिए अव्यय टॉपिक होता है। और जैसे इसका और भी सरलीकरण कर दूं, हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो विकारी होते हैं और एक होते हैं अविकारी, ठीक है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए वो शब्द विकारी कहलाते हैं। वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, विकारी अव्यय चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिया विशेषण, क्या होते हैं बच्चों? एक तो आपके होते हैं क्रिया विशेषण, एक होते हैं आपके समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, एक होते हैं आपके विस्मयादि बोधक और एक होते हैं दोस्तों संबोधन बोधक। सॉरी, एक इसको अपने कहते विस्मयादि में आता है संबोधन, एक आप कह सकते हो संबंध बोधक, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है विस्मयादि बोधक, हर्ष, शोक, वेदना, आश्रय प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आश्रय प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। और यहाँ पर जो शब्द होगा वो अरे शब्द होगा, ये चिन्ह से आप पहचान सकते हो, ये सारे हैं। लेकिन ये अरे शब्द विस्मय के भाव के लिए पूछा है, तो बी इसका
सही आंसर होगा विद्यार्थियों, बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से संबोधन कारक कौन सा है बताइए, संबोधन कारक आपको बताना है, संबोधन कारक कौन सा है। प्रियस की माता जी आ रही हैं, वह घर पर घर वह घर घर घूमता है, सजनों जरा ध्यान दो, इस जगह पूर्ण शांति है, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। संबोधन कारक, कारक पता है बच्चों कितने होते हैं, आठ। अरे याद है ना बचपन में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना, अपादान से अलग होने पर संबंध, ठीक है, फिर आपका एक होता है अधिकरण, और लास्ट में होता है आपका संबोधन। तो आठ कारक होते हैं, है ना। अब बताइए यहाँ पर संबोधन कारक कौन सा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आपको बताना है कि संबोधन कारक कौन सा है, जल्दी बोलो बच्चों सही आंसर क्या होगा भाई, संबोधन कारक कौन सा है, फटाफट से आंसर बताओ बच्चों, संबोधन कारक कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी इज राइट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। सजना जरा ध्यान दो, सी इसका सही आंसर माना जाएगा, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये मेरे मित्र है रेखांकित पद है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बताइए ये मेरे मित्र है रेखांकित पद है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, बोलो दोस्तों यह आएगा। देखो दोस्तों आपको कई बच्चों को तो ध्यान है, संबंध कारक में विभक्ति आती है का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने, कई, बताओ किन किन को पता है ये बात कि संबोधन संबंध कारक में इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, का, की, के, रा, रे, री, रे और ना, नी, ने। तो दोस्तों ये तो हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ आते हैं, ठीक है ना, और ये जो आते हैं ये हमेशा आते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में दो ही शब्द होते हैं, वो भी उत्तम पुरुष, मैं और हम, या फिर तो मेस में रा जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा, मेरा, मैं मेरी जुड़ेगी तो क्या, मेरी, और मैं मेरे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मेरे। तो ये कौन सा है भाई, ये रहा रे संबंध कारक, ये रहा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, तो यहां पर संबंध कारक सही आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर सात की ओर। चोरी का माल मोरी का अर्थ है, बहुत अच्छा मुहावरा है, चोरी का माल मोरी का अर्थ क्या है दोस्तों, फटाफट से बताइए, चोरी का माल मोरी का अर्थ क्या, चोरों के माल में मोरी में रखना, चोरों को मोरी के रास्ते में आना, गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ जाना, चोरी के माल का लंबे समय तक रहना, बताइए दोस्तों क्या होगा, फटाफट से बताओ भाई, सातवें का आंसर बताओ जल्दी दोस्तों, फटाफट से बता दो भाई सातवें का आंसर क्या होगा, शाबाश वेरी गुड, ये होगा सी, गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ जाना, शाबाश बच्चों वेरी गुड, गलत तरीके से कमाया धन किसमें जाना, व्यर्थ में जाना, और सी इसका राइट आंसर माना जाएगा, बोलो दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत है क्या, तो सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आठ की ओर बढ़ते हैं, उपतयाका शब्द के लिए सही वाक्यांश समूह होगा, उपतयाका, बताइए सही शब्द क्या होगा, उपतया किस भूमि को कहते हैं, पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत के समतल भूमि, ऐसे दोनों इनमें से कोई नहीं, बताइए, उर्वरार उसर होती है ना, वैसे उपतया का शब्द होता है जो किसके लिए आता है बताओ, अरे मैदान भी तो आते हैं, वैसे उपतया का शब्द आता है, तो बिल्कुल दोस्तों ये होगा इसका राइट आंसर ए होगा, पर्वत के नीचे की जो भूमि है उसको हम उपतया का कहा जाता है, उपतया का, ठीक है, यहां तक बोलो भाई, थम्स अप करके बताओ मुझे कि हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही गजब तरीके से हमारे समझ में आ रहा है, फटाफट बताओ भाई बच्चों, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, दीप और द्वीप का सही युग्म होगा, फटाफट से बताइए, दीप और द्वीप का सही युग्म है, नौवे का प्रश्न बताओ दोस्तों, टापू हाथी, हाथी दिन, दिन हाथी, हाथी टापू, बताओ क्या होगा, एक दीप है एक द्वीप है, एक में बड़ी मात्रा है, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, और एक में छोटी मात्रा है, तो बताओ सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बोलो फटाफट से सही आंसर क्या होगा।
तो डी इज राइट आंसर, डी टापू और हाथी, डी इज राइट आंसर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। एक बार फटाफट इसको शेयर कर दो यार, ताकि और भी बच्चे इसको देख ले और सभी को फायदा मिल सके। यार इतना कम क्यों गए आना, बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से, सर बच्चे इतने कम क्यों गए राजस्थान में। बढ़िया, आपको पता है आपकी हाईकोर्ट की भी वैकेंसी आ गई है एलडीसी, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दी गई है, अगली 15 अप्रैल तक उसको स्थगित कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन अपना बैच चल रहा है हाईकोर्ट के लिए, जिसमें पटवारी ग्रुप डी की वैकेंसी तैयारी आप कर सकते हो दोस्तों। बहुत अच्छा मौका है यार आपके लिए। आगे बोलो, जो पूर्व में न हुआ हो उसका हो विग्रह का समस्त पद होगा, जो कभी ना हुआ हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए जो पूर्व में न हुआ हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, फटाफट से बता दो दोस्तों। पूर्वत, अभूतपूर्व, पूर्वरूप और पूर्वभूत, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो जो कभी ना हुआ उसके लिए अभूतपूर्व होगा, जो पूर्व में कभी नहीं हुआ हो। जैसे कोरोना जैसे त्रासदी ने आज पूरे देश को झकझोर कर दिया है दोस्तों, मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा अकेडमी और वाईफाई स्टडी की तरफ से और मेरी तरफ से, कि बिल्कुल घर पे रहिए, घर के लोगों को समझाइए कि बाहर नहीं निकले, और इसी में भलाइए ताकि 15 तारीख बाद अपना जीवन थोड़ा सामान्य पटरी पे आ जाए। नहीं तो देखो घर बैठे आपको भी घुटन होने लग गई ना, तो ऐसे सभी के साथ हो रहा है। तो इसको थोड़ा फटाफट से बताओ लोगों को यार। आगे है रघुपति शब्द का उदाहरण है, किस समाज का उदाहरण है रघुपति। रघुपति वर्तमान बचपन में प्रार्थना पढ़ते रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो यार रघुपति शब्द आपसे पूछा है, तो रघुपति बताइए किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर इज सी, सी इज राइट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा, बहुव्रीहि समास यहां पर माना जाएगा। रघुपति, रघु का है जो पति, रघु का है जो पति, अर्थात कौन होगा बच्चों, राम होगा। शाबाश वेरी गुड। चलो प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं, महोष्ण में कौन सी संधि है। बहुत संधि का बहुत अच्छा प्रश्न है, शब्द है महोष्ण, बताइए दोस्तों कौन सी संधि है महोष्ण में, फटाफट से 1 सेकंड में आपका जवाब आना चाहिए। महोष्ण में कौन सी संधि है, गजब का प्रश्न दिया है मेरे दोस्तों, गजब का प्रश्न है, दिल खुश हो जाएगा। फटाफट आप मुझे बताइए कि महोष्ण में कौन सी संधि है, जल्दी बोलो फटाफट से, महोष्ण शब्द में कौन सी संधि है, फटाफट बोलो भाई, महोष्ण शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी बोलो फटाफट से। बहुत गजब का प्रश्न है और बहुत ही गजब तरीके से बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, मैंने गुण संधि में आपको एक ट्रिक सिखाई थी, अरे एक ओ ये ओ है ना, ओ भी गुण छ याद है ना, तो महा प्लस उष्ण होगा। और संधि अगर बात करें तो यहां पर जो संधि होगी दोस्तों वो गुण संधि यहां पर मानी जाएगी। कौन सी संधि होगी भाई दोस्तों, गुण संधि यहां पर होगी। अगला प्रश्न, निश्चिंत का विग्रह होगा, मतलब विग्रह का मतलब है संधि विच्छेद होगा, विग्रह विच्छेद एक ही बात है, निश्चिंत का विग्रह होगा। दोस्तों बताइए निश्चिंत का क्या विग्रह होगा, आपको याद हो तो मैंने संधि पढ़ाई थी बच्चों सभी को, कौन सी संधि, विसर्ग संधि याद है ना, और विसर्ग संधि में नियम नंबर 4, 5 और 6 पढ़ाया था, वो भी याद होगा, पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था कि धरती पर कभी भी क्षय स और क्षय हो, यही हो ना, तो इन तीनों का हमेशा क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो बताओ इसका क्या होगा, निह प्लस चिंतित होगा या क्या होगा, बोलो फटाफट से, निह प्लस चिंत प्लस ये चिंत होगा, यानी सी इज राइट आंसर। ठीक है आगे चलते, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये टॉपिक मैं आपको हर बार शुरुआत में पढ़ाता हूं, हर बार आपको ये टॉपिक आता है, आपको ये बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखो आपको मैंने, एक तो संज्ञा 3 होती है, एक तो व्यक्तिवाचक होती है दोस्तों याद हो गई, एक आपकी जातिवाचक होती है और एक आपकी भाववाचक होती है, 3 संज्ञा होती है। इसको प्रश्न नाउन कहते हैं, इसको कॉमन नाउन कहते हैं, इसको अवस्ट्रक नाउन कहते हैं, लेकिन इसकी 2 शाखाएं निकल गई, एक का नाम समूहवाचक, तो वे संज्ञा शब्द जो हमें समूह होने का बोध कराए,
और एक शाखा निकल गई इसकी द्रव्यवाचक, तो वे शब्द जो हमें नाप तोल, लेकिन ये पूछा है नाप तोल नहीं है, तो भैया ये तीनों नाप तोल के हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, डी इसका सही आंसर माना जाएगा। और 14वें का सही आंसर डी होगा पेड़, पेड़ में जो संज्ञा है वो जातिवाचक ही है, लेकिन यहाँ पर अपने को प्रश्न द्रव्यवाचक से पूछा है, तो द्रव्यवाचक में तो अपन सही आंसर यही देंगे भाई, क्यों ना सही है ना। चलो अगला प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह पूछा है दोस्तों, यह घोड़ा अच्छा है और यह क्या है, तो यार बिल्कुल दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है, और मैं आशा करूंगा कि आप फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय, फटाफट बताइए कि क्या इसका सही आंसर क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय बताओ फटाफट से भाई, सही आंसर क्या होगा, यह सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा है बच्चों, निश्चयवाचक, और यह का प्रयोग दो ही तो होते हैं, यह और वह, और यह का प्रयोग जो है हमेशा निकटता के लिए होता है, और वह का जो प्रयोग है वो हमेशा दूर के लिए होता है, शाबाश दोस्तों फटाफट से बताइए, कोई दिक्कत भाई आपको, गजब गजब बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, देखो आंसर ऐसे दोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तेंदुलकर ने एक ओवर में, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य और विधेय मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो बिल्कुल बताइए तेंदुलकर, उद्देश्य और विधेय रिट का लेवल का प्रश्न है, हर में दो चीजें होती है, एक में उद्देश्य होता है एक में विधेय होता है, तो बताइए दोस्तों, ते उद्देश्य को कहते हैं कर्ता और बचा हुआ है उसको कहते हैं विधेय, वाक्य का बचा पद, बचा हुआ पद, अब बताओ भाई, तो यहां पर भैया उद्देश्य कर्ता होता है, तो मेरे बच्चों बिल्कुल आपने मेरे साथियों देखते ही आंसर ठोक दिया होगा, और आपने कह दिया सर बी होगा, क्योंकि कर्ता आपने बताया तो तेंदुलकर ही वाक्य में कर्ता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, याचक शब्द में प्रत्यय है, बताइए दोस्तों याचक में प्रत्यय कौन सा है, फटाफट से बताओ 17वें का आंसर जल्दी फटाफट, याचक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, बहुत अच्छा गजब लग रहा है ना, एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से मुझे, याचक शब्द में प्रत्यय है तो याचक में होगा मेरे साथियों अक प्रत्यय, कौन सा होगा विद्यार्थियों, अक प्रत्यय होगा, शाबाश विद्यार्थियों शाबाश, वेरी गुड बहुत अच्छा, आगे चलो भाई, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है, सही विराम चिन्ह कौन सा, ये विराम चिन्ह तुमको ध्यान है दोस्तों, ये विस्मयादि बोधक भी है और ये संबोधन बोधक भी है, तो लेकिन आपको प्रश्न पूछा है कि सही विराम चिन्ह कहाँ लगा हुआ है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, देखो ये बोलने का तरीका, छी तुमने खाली वो चिन्ह है नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो बताइए दोस्तों फटाफट, बहुत तर्क वाला प्रश्न है, तर्क के साथ आंसर दीजिए विद्यार्थियों तभी अच्छा रहेगा, फटाफट से, तो बिल्कुल इसका सी इज राइट आंसर, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, सी इज राइट आंसर, ठीक है शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छा। आगे है, स्वैसा शब्द पर्याय है, स्वैसा किसका पर्याय है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, गजब तरीके से आंसर दो, स्वसा पर्याय किसका है बोलो भाई, तो स्वसा है बहिन का, डी इज राइट आंसर, स्वसा किसका है बच्चों, बहिन का होगा, शाबाश वेरी गुड। लास्ट प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव का मतलब समझते हो ना, चार पांच प्रकार के शब्द होते हैं हिंदी में, तत्संग, तद्भव, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज, और एक होता है बच्चों संकर शब्द, यहां आपको पूछा है कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो बिल्कुल यहाँ पर खीर इसका राइट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही आंसर माना जाएगा, तो दोस्तों
कैसा रहा आज का सेशन? आशा करता हूँ कि बहुत बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे आप जरूर बताइए। आपको अगर पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये प्राप्त हो जाएगी, t.me/wifi-study-ganesh नाम से, वहां से। और आपको अगर आपने क्या नाम से वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वहां से भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छा मजा होगा, बहुत बिंदास तरीके से आपने पढ़ाई की होगी। और मुझे बिल्कुल किसी प्रकार की कमी है तो कमेंट करके बताइए कि क्या हमें, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर शब्द युग्म पढ़ाइए, तो बिल्कुल अगर आप कहोगे तो शब्द युग्म ये हम पढ़ लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके, सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।